हाई कोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अधवाणी में लाखों रुपए से निर्मित गौशाला का ताला गोवंश के लिए खोल दिया है। अधवाणी गौशाला में बेसहारा गोवंश को आश्रय देने के साथ 100 से ज्यादा खूंटे बांधे गए हैं। बेसहारा पशुओं के लिए शेड व पीने के पानी, चारे की व्यवस्था भी है। इसके साथ ही गौशाला के साथ खुली जमीन है, जहां पर 100 से 200 बेसहारा गोवंश को आश्रय दिया जा सकता है। इस गौशाला में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लाखों रुपए खर्च कर इसे तैयार किया गया था, लेकिन राजनीति के चलते ये बहुत समय से बंद पड़ी थी। मैं सुनील राणा, अध्यक्ष गौ रक्षा समिति अधवाणी। आज ये जो हमारी गौशाला यहाँ पे चल पड़ी है, न्यायालय के आदेशों के अनुसार इनका हम स्वागत करते हैं और न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी संबंध में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के संगठन मंत्री पवन राणा जी भी बधाई के पात्र हैं। और इस गौशाला चलने से जो हमारी गौवंश जितना भी बेसहारा था, सड़कों पे घूम रहा था, उनको अब रहने के लिए आश्रय मिल जाएगा। और हमारे इलाके के किसान जो बहुत दिनों से परेशान थे, उनको भी अब काफ़ी राहत महसूस होगी। हमें अब उम्मीद है हमारा ये प्रशासन राजनीति से ऊपर उठकर गौवंश तथा किसानों के हक में ही कार्य करेगा। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।